चार्टर एक्ट आता है 1853 का, फर्स्ट टाइम इसने सेपरेट किया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन. तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन इसने सेपरेट किया, गवर्नर जनरल काउंसिल में एक लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शन पहली बार सेपरेट किए. इसमें इसमें 3 मेंबर से 4 मेंबर कर दिया, चौथा मेंबर क्या किया, लॉ मेंबर. तो चौथा मेंबर था लॉ मेंबर. फर्स्ट लॉ मेंबर कौन था, लॉर्ड मैकॉले. फिर लॉर्ड मैकॉले रखा. फिर इसमें इसमें सिक्स लेजिस्लेटर काउंसिलर बोलते थे उन्हें, सिक्स मेंबर उन्हें बोलते थे लेजिस्लेटर काउंसिल. इसमें टोटल नंबर थे 10. तो इसमें टोटल नंबर 10 हो गए, 6 लेजिस्लेचर के एंड 2. तो ऐसे थे गवर्नर जनरल काउंसिल, लेजिस्लेचर एंड फिर एग्जीक्यूटिव. तो इसमें 6 मेंबर्स होते थे, इसमें 10 4 मेंबर्स होते थे, टोटल कितने 10 मेंबर्स हो गए वाइस रॉय के अंडर, जब गवर्नर जनरल के अंडर. तो जैसे तो 6 लेजिस्लेचर हो गए एंड 4 एग्जीक्यूटिव हो गए. इसमें 6 में से 4 कहाँ से आएंगे, प्रोविंसेस से होंगे. ब्रिटिशर्स से लेकिन प्रोविंसेस गवर्नर देंगे. तो कुछ राज्यसभा जैसा है कि प्रोविंसेस अपने मेंबर्स भेजे. तो 4 प्रोविंसेस होंगे एंड 2 नॉमिनेट करेगा कौन, गवर्नर जनरल. तो 4 मेंबर कहाँ कहाँ से आएंगे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा. सो ये है मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा. यहाँ से 4 मेंबर आएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव में, 6 में से 4 प्रोविंसेस भेजेंगे. तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बना गया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में बन गया था. तो इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूरा इंडिया को भी देखना था, उसे बंगाल को ढंग से देख नहीं पाता. तो बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर बना 1853 में. फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो नंबर था वो 1424 से 18 कर दिया, जिसमें से 6 यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते, 6 नॉमिनेटेड थे तो उनका नंबर बढ़ा दिया, जिसमें से 6 नॉमिनेटेड थे. एंड इंडियन सिविल सर्विसेज ये ओपन कंपटीशन बना दिया 1833 में. इन्होंने कोशिश की थी लेकिन ला नहीं पाए, बहुत अपोजिशन है. तो इसमें ओपन कंपटीशन स्टार्ट कर दिया इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए. फिर मकौले कमेटी बनाई इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए, मकौले कमेटी बनी और सर्विस एग्जाम स्टार्ट हो गए 94. तो निपोटिज्म कम हुआ है सिविल सर्वेंट में, निपोटिज्म भाई वही था, वीजा वाज बहुत चलता था, तो वो कम हुआ. एंड ओपन कंपटीशन स्टार्ट किया सिविल सर्विसेज के लिए 1853 में. फिर वुड्स डिस्पैच होता है 1854, वुड्स डिस्पैच 1854, इस टाइम कौन है, द लॉजी. सो वुड्स डिस्पैच आता है 1854, तो उसने एजुकेशन सिस्टम के लिए प्रिपेयर किया. तो उसे मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इंग्लिश एजुकेशन इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन इंग्लिश एजुकेशन इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया किसको बोलते हैं, वुड्स डिस्पैच 1854. वुड डिस्पैच इस 1804. तो इसमें एजुकेशन इंडिया फर्स्ट कंप्रेहेंसिव प्लान था इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए. इसने बोला कि मासेस में एजुकेशन, तो मकौले ने मासेस में एजुकेशन रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन इसने बोला कि डाउनफॉल फिल्ट्रेशन थ्योरी उसे रिजेक्ट किया और मासेस को एजुकेशन प्रोवाइड किया, तो प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन पर जोर दिया. तो वुड्स डिस्पैच ने बोला कि वर्नैकुलर जो विलेज लेवल में बॉटम लेवल जो स्कूल है, जो सबसे बॉटम लेवल है, उसमें वर्नैकुलर लेवल से पढ़ाया जाए, वर्नैकुलर एजुकेशन दी जाए. तो बॉटम लेवल में वर्नैकुलर, फिर अब मिडिल लेवल पे जब हाई स्कूल में जाओ तो एंग्लो वर्नैकुलर, फिर इंग्लिश और वर्नैकुलर एक साथ, फिर जो हाई जो कॉलेज लेवल पे जाओ जैसे कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, वहाँ पे पूरी इंग्लिश में एजुकेशन होनी चाहिए. तो ये कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, यहाँ पे पूरी इंग्लिश में एजुकेशन होनी चाहिए. ऐसे बोला इंग्लिश इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ करना चाहिए, हायर स्टडी के लिए इंग्लिश और स्कूल लेवल पे वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में पढ़ाई होनी चाहिए. तो स्कूल लेवल में वर्नैकुलर लैंग्वेज एंड हायर स्टडी इंग्लिश लेवल. और इसने बोला फीमेल एंड वोकेशनल एजुकेशन पे, फीमेल और वोकेशनल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया. वो डिस्पैच है कि फीमेल के लिए वोकेशनल एजुकेशन और टीचर के लिए भी ट्रेनिंग, ऐसा नहीं कोई भी टीचर बन जाए. तो टीचर ट्रेनिंग पे भी फोर्स दिया गया, तो फीमेल वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग पे भी फोकस किया गया, इन्होंने फोकस दिया. फिर उन्होंने बोला कि एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, वो सेकुलर हो, ऐसा नहीं कोई धर्म की बातें पढ़ा रहे, तो सेकुलर एजुकेशन देना चाहिए. और उसने बोला कि ग्रांट इन एड देना चाहिए, जो प्राइवेट लोग हैं जो अपना स्कूल खोलना चाहते हैं उन्हें ग्रांट इन एड देना चाहिए गवर्नमेंट को. ये बोला वुड्स डिस्पैच ने, ग्रांट इन एड बोला कि प्राइवेट लोग को इनकरेज करो.